त्रिपुरा में बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद सीएम माणिक सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया तो बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मंगलवार को नितिन गडकरी अगरतला पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। इस तस्वीर के साथ ही त्रिपुरा में अगले मुख्यमंत्री का इंतजार होने लगा है। बीजेपी की भारी जीत के बाद 20 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहने वाले माणिक सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और अब बीजेपी वहां सरकार बनाने के काम में जुट गई है। भारी जीत के बाद शनिवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई लेकिन सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो सका। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव को ही सत्ता की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन उससे पहले पार्टी नितिन गडकरी और जुएल ओराम को पर्यवेक्षक के तौर पर त्रिपुरा भेज रही है ताकि विधायकों से राय मशविरे की औपचारिकता पूरी की जाए। यही वजह है कि उससे पहले कोई भी सीएम के चेहरे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। ये सब सीएम की बात वो सब बड़ी बात है, वो सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी सिद्धांत लेगा मैं उनके साथ हूँ। सीएम कैंडिडेट के बारे में फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और वो जिसको भी सीएम बताएगा बनाएगा वो इस राज्य का सीएम बनेगा। बीजेपी गठबंधन को त्रिपुरा में 43 सीटों पर जीत हासिल हुई है जबकि सत्ताधारी पार्टी यानी लेफ्ट 16 सीटों पर सिमट गई। माना जा रहा है कि बीजेपी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कामयाबी में युवा प्रदेश अध्यक्ष विप्लव कुमार देव की भी बड़ी भूमिका है जबकि उन्हें महज कुछ साल पहले ही त्रिपुरा भेजा गया था। उससे पहले वो दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ काम कर रहे थे। जो भी दायित्व छोटा मोटा देता था मैं काम करता था और 2015 में पार्टी ने सिद्धांत की है हमको त्रिपुरा में भेजने का कि मैं त्रिपुरा से हूँ और मैं 98 से 2015 तक अभी भी मेरा वहाँ है, मैं बच्चे मेरा वही पढ़ता है। 1998 से 2015 तक दिल्ली में पार्टी के लिए काम करने वाले विप्लव देव आरएसएस से भी जुड़े हैं। उनके पिता जनसंघ से जुड़े रहे थे लिहाजा वो सीएम पद के लिए आरएसएस की भी पहली पसंद माने जा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।